हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्टों के प्रभावितों और विस्थापितों ने कुल्लू में एक रोष रैली निकाली। उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई रैली में हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावितों और विस्थापितों ने भाग लिया। रैली में मुख्य रूप से पुनर्स्थापना और पुनर्वास का मुद्दा छाया रहा। लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे फोरलेन प्रभावितों ने भू अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार मुआवजे की मांग की। इस दौरान संयुक्त संघर्ष समिति ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा। रैली के दौरान पूरा कुल्लू क्षेत्र विस्थापितों और प्रभावितों के नारों से गूंज गया। प्रभावितों का कहना है कि फोरलेन की जड़ में आने वाले प्रभावितों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को 2 साल पहले किया जाना था, उसे आज भी पूरा नहीं किया गया है। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुशाल ठाकुर ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक अभी भी जिलाधीश द्वारा जमीनों व मकानों की वैल्यू तय करना था, जिसे पूरा किए बिना प्रदेश सरकार द्वारा फैक्टर 1 लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 4 मुआवजा 4 हिस्सों में दिया जा रहा है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि लोग किसी भी हालत में बिना उचित मुआवजा मिले अपनी जमीनों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और सबसे पहली बात यही रही कि जो पुनर्वासन और पुनर्स्थापना जो इन लोगों का होना था, जो कार्रवाई 2 साल पहले होनी थी, वो जमीन पर अभी एक भी कॉमा फुल स्टॉप बिंदु जो है अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जहाँ तक उचित मुआवजे की बात है, जो नए कानून भूमि अधिग्रहण में दिया गया है कि सेक्शन 26 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है मार्केट वैल्यू को तय करेंगे, वो कार्रवाई नहीं की गई है। और जहाँ तक गुणांक की बात है, हिमाचल की सरकार ने अपनी मनमर्जी का गुणांक लगाकर फैक्टर 1 लगा दिया है, जबकि बम्बई की हाई कोर्ट कहती है कि आप फैक्टर 1 नहीं लगा सकते, आपको फैक्टर 2 तक जाना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार की इसके ऊपर डायरेक्शंस हैं और कानून बड़ा ये साफ कहता है। उसके बाद जो मुआवजा दिया गया है वो 4-4 हिस्सों में दिया जा रहा है। अभी भूमि की कीमत दी जा रही है, 6 महीने के बाद जो है आपके मकानों की कीमत दी जाएगी, 6 महीनों के बाद पेड़ों की कीमत दी जाएगी, 6 महीनों के बाद जो पुनर्वासना पुनर्स्थापना का अवार्ड होगा। मुझे बताइए कि एक किसान, एक प्रभावित, एक विस्थापित कितनी बार कोर्ट में जाएगा। इस कानून में सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता था, इसलिए एक लारा अथॉरिटी का गठन होना था, जो कि एक जुडिशियल माइंड या जज ने करनी थी और जिसने जो है 60 दिनों के अंदर फैसला करना था। मुझे तो ये लगता है कि बड़ी सोची साझी नीति के तहत हमारी सरकार इसे नहीं लगा रही है। लेकिन एक बात बड़ी साफ कहना चाहते हैं, जहां हम गुहार लगा रहे हैं, हम एक हुंकार भी दे रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से, हम दोबारा कहते हैं, किसी भी प्रकार से अपनी निजी भूमि में इनका जो बुलडोजर है किसी भी हालात में चलने नहीं देंगे। रैली से पहले कुल्लू के प्रदर्शनी मैदान में एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं और फोरलेन के विस्थापितों और प्रभावितों की समस्याओं पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।